देखिए बात तो सारी कोई कहे ना कहे आप सब समझते हैं, हमारे को भी टीस है। एक और आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने पिछले चुनाव में हमारे बहादुर साथी सैनी साहब को यहाँ से चुन के भेजा आपने। देखो ये कई साथियों ने कहा भाई जितनी वोटों से पिछली बार जीते थे अब क्या उससे दुगनी तिगनी वोटों से जिताना है। तो आज क्या भाई, ना तो मेडिकल कॉलेज भरोसा है कि 36 बिरादरी एक होकर मन तो बना लिया अब ये कुछ कर लें। लोगों ने मन बना लिया है 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखिए बात तो सारी कोई कहे ना कहे आप सब समझते हैं, हमारे को भी टीस है। 2014 में जो हमारा हरियाणा पूरे देश में नंबर एक था कि जिसमें प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में नंबर एक था, आज 17वें नंबर पर पहुंचे। आज फिसल गए अपनी जगह से, इस 9 साल में कहां से कहां पहुंच गए। 2014 तक मेरा किसान खुशहाल था, गरीब आदमी खुश था, व्यापारी हर वर्ग खुश था। आज क्या स्थिति है भाई हरियाणा में, आज हरियाणा में हो गई अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, ना दवाई ना डॉक्टर, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, तो कहां जाएगा, कहां करेंगे। ये आपके सामने है बातें बड़ी बड़ी की, मैं उसका शुरुआत करूं। उससे पहले तो भाई आज सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं हरियाणा दिवस की जो बना है, और एक और आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने पिछले चुनाव में हमारे बहादुर साथी सैनी साहब को यहां से चुन के भेजा आपने। देखो ये कई साथियों ने कहा भाई जितनी वोटों से पिछली बार जीते थे अब क्या उससे दुगनी तिगनी वोटों से जिताना है इनको, मंजूर है ये बात। तो आज क्या वायदे बहुत किए इन्होंने, और आज हर व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो सोचता भाई अब तो ठगी में आ गए कि वायदे किए। आज इनसे सवाल पूछो आप भाई, MSP की गारंटी कही थी 5100 रुपए पेंशन देंगे, सरकार बनते ही इन्होंने कहा जब इनका गठबंधन हुआ 5100 रुपए पेंशन देंगे, फिर कहा पुरानी पेंशन लागू करेंगे, पंजाब के समान वेतनमान देंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और गन्ने का भाव बहुत अच्छा देंगे। तो आज क्या भाई, ना तो मेडिकल कॉलेज ना MSP। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलता, मैं तो एक ही बात कहता हूं, जहां तक सवाल है किसान के MSP का, वो रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में मैं उसका अध्यक्षता पास हुआ ये कि हम किसान को MSP की कानूनी गारंटी देंगे ताकि कोई भी आदमी इसको किसान को ठग ना सके MSP को। तो ये आपके सामने है और बहुत सारी बातें हैं, कहा 5100 रुपए पेंशन देंगे, इनने तो पेंशन क्या किया, कभी बढ़ाते कभी घटाते कभी घटाते, कहा तक कुछ हमने तो कह रखा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए करेंगे, 6000 रुपए। महंगाई बढ़ रही है, मेरी बहने यहां नजर नहीं आ रही मेरे को, उनका गैस सिलेंडर सब गैस पे रोटियां बनाते हैं आजकल, गैस का क्या सिलेंडर का भाव आ गया। राजस्थान में अरे कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपए दिया है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपए ही गैस सिलेंडर का देंगे भाई, और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 100-100 गज के प्लॉट 3,82,000 हम दिए थे, ये पूरे हरियाणा में बता दो एक भी इन्होंने दिया हो, एक भी ना गरीब के ना किसान के ना मजदूर के ना व्यापारी के, कहीं मंडी में जाऊं तो आड़ती परेशान हो, भाई नए नए तजर्बे कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, अरे यही मंडिया तो थी ना, यही किसान थे मेरे, जब ही अपना दाने निकालते ही
मंडी में पहुंच जाते थे, एमएसपी मिलती थी, अच्छा भाव मिलता था, मिलता था नहीं मिलता था। और ये इलाका गन्ना पैदा करता है। गन्ने का भाव जब हमारी सरकार बनी 2005 में 117 था, और एकदम हमने बढ़ा के 310 कर दिया, उसके बाद बढ़ता चला गया। आज इस सरकार ने क्या करते हैं, अब भी कह रहे हैं बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, कभी 5 रुपए क्विंटल बढ़ा देते हैं, कभी 10 रुपए क्विंटल, अब 10 रुपए क्विंटल बढ़ा देते हैं, कोई काम चलेगा? खाद मिलता नहीं, जो मिलता इतना महंगा हो गया, डीजल मिलता नहीं, डीजल इतना महंगा हो गया आपके सामने। तो भाई हमने तो कह रखा है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल की मांग करता हूँ, सरकार से भी मांग करता हूँ, 450। एक दो दिन में अनाउंस करेंगे कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने को मिलना चाहिए किसान को। भाव इतना बढ़ गया, फिर रिकवरी के हिसाब से, रिकवरी के हिसाब से तो कम ज्यादा क्यों भाई, जो जितनी देर जितना टाइम ज्यादा हो जाएगा रिकवरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन कीमत नहीं किसान की बढ़ेगी। आज चीनी का भाव तो बहुत बढ़ गया, नहीं किसान को गन्ने का भाव बढ़ाने में क्या तकलीफ भाई, जब चीनी इतनी महंगी है, जब किसान का प्याज आता है, जब क्या भाव मिलता है, आज क्या भाव हो गया 80 रुपए किलो हो गया, जब किसान की कोई फसल आती है जब तो दाम नहीं मिलता, बाद में दाम बढ़ते हैं, ये ऐसी सरकार है भाई। तो मैं तो आज यही कहने आया हूँ, आपका सहयोग मांगने आया हूँ। आज 1 नवंबर हमारा फैसला था कि भाई 1 नवंबर से पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयपान जी और मैं शुरुआत करेंगे और पूरे हरियाणा में जाएंगे, 90-90 हलकों में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। तो शुरुआत करने का भाई जो है आज रादौर से हमने शुरू किया, क्योंकि रादौर ने हमारी 19वें भी सम्मान रखा, आगे भी रखेगा। तो आज यहाँ से रादौर से उठी हुई आवाज पूरे हरियाणा में जाएगी, यहाँ से आवाज मारो पूरे हरियाणा में जाएगी, यही मैं आज से कह रहा हूँ, ये संदेश पूरे हरियाणा में जाना चाहिए। और आप मेरे को पूरा भरोसा है कि 36 बिरादरी एक होकर मन तो बना लिया, अब ये कुछ कर लें, लोगों ने मन मरा लिया है 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 36 बिरादरी ने, 36 बिरादरी ने मन मना लिया। तो भाई आज सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करी है, यहाँ से प्रेरणा लेके आप रादौर की भूमि से आशीर्वाद लेके आज हम हरियाणा में निकलेंगे। और भाई अगले साल जैसा अजीत दीपेंद्र ने कहा, कांग्रेस की सरकार बना के सबसे पहले यही रादौर में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।